आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। व्यूअर्स, सिस्टम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर एक्सपेरिमेंटेशन। तो व्यूअर्स, सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हम ये इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी by its constituent particles. ये विवर्त इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन है। अब विवर्त हम एक्सप्लेनेशन में अगर देखें कि इंटरनल एनर्जी किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है सिस्टम के अंदर तो या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। अब विवर्त जितनी भी सब्सटेंसेस सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, उनकी एनर्जी दो तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। एक यहां पे हम मेंशन करते हैं इंटरनल एनर्जी, कोई भी सब्सटेंस है सिस्टम के अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी है। अभी बस काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि या ये तो हो सकती है वाइब्रेशनल एनर्जी, इसके अलावा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। इसी तरह व्यूअर्स पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम लिख सकते हैं कि ये होती है या इंट्रा मॉलिक्यूलर, जिन्हें हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं, और दूसरी व्यूअर्स होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके अलावा व्यूअर्स काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो मेन हमने डिस्कस की सब्सटेंसेस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, उनके फिर इलेक्ट्रॉन्स यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर न्यूक्लियाई ऑल ऑफ दीज इंक्लूड to determine internal energy of a system. तो viewers, internal energy का एक और point यहां पे हम mention करते हैं कि absolute value of internal energy cannot be determined experimentally. Its change can be determined. So we were change को determine करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि change in इंटरनल एनर्जी। व्यूअर्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट के लिए हम लिखेंगे इसे E1
और E1 कंडीशन ये ही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन पे डिपेंड करती है। और इसी तरह व्यूअर्स फाइनल स्टेट जो सिस्टम में होगा वो E2, और ये चेंज इन एनर्जी को हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे कि चेंज इन एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो व्यूअर्स इंटरनल एनर्जी चेंज को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड इन अ सिस्टम। अब किस तरह से हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीजिंग इफेक्ट के साथ देख सकते हैं, तो कौन कौन से इसके ऊपर इफेक्ट असर अंदाज होते हैं हम इस तरह से मेंशन करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी चेंज। इसके लिए व्यूअर्स फर्स्ट हमारे पास आता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, सेकंड चेंज इन फेज ऑफ सिस्टम, एंड थर्ड रिवर्स अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि जैसे सिस्टम के अंदर ये तीन प्रोसेस होंगे तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज करेगी। व्यूअर्स हम किस तरह से इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसे लिख लेते हैं कि कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीट एंड वर्क। व्यूअर्स ये जो दो फैक्टर हैं इनको हम वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी कहती हैं, इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे के वेज ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। इसमें व्यूअर्स फर्स्ट जो है हमारे पास वो है हीट, कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट को व्यूअर्स हम डिफाइन करती हैं कि इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी across the boundary of a system during a change in state of system due to difference in temperature between surrounding and system। कि किस तरह से system और surrounding में difference है temperature का, इसे हम एक diagram की मदद से देख सकते हैं। कि ये हमारे पास एक system है viewers, जो भी हम अंदर experiment कर रहे होंगे ये हमारे पास system, और ये व्यूअर्स सराउंडिंग हमारे पास। अब सिस्टम की जो सराउंडिंग है व्यूअर्स, हम देखते हैं किसी भी रिएक्शन में या तो हीट रिलीज होती है यानी कि मूव करेगी आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री। हीट को व्यूअर्स क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां पे हम मेंशन कर देते हैं रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, या फिर ये सिस्टम के अंदर मूव करती है। अब ये जो मूवमेंट है इसकी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर है बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम, कि इनके टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है और हीट की मूवमेंट किस तरफ होगी। इसको व्यूअर्स हम जनरली रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर हीट मूव करे आउटसाइड द सिस्टम इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद नेगेटिव साइन, और अगर व्यूअर्स ये मूव करे इनसाइड द सिस्टम तो इसे हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और व्यूअर्स जिस यूनिट में हीट मेजर की जाती है उसे हम कहते हैं जाउल, यूनिट ऑफ हीट इज जाउल। तो व्यूअर्स दूसरा जो वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी है वो हमारे पास है वर्क, अब वर्क को व्यूअर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू के साथ। व्यूअर्स वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास है
कैल्शियम कार्बोनेट और HCl। ये मूवेबल पिस्टन के साथ कनेक्टेड है। ये व्यूअर्स इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया है। जैसे ही रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि पिस्टन को मूव करवाती है, जिससे इसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो व्यूअर्स इसका वॉल्यूम चेंज होगा तो ये मूव कर गया इस रीजन पे, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास था V1 और फाइनल जो वॉल्यूम हमारे पास आया दैट इज V2। अब व्यूअर्स पहले हम वर्क की इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। व्यूअर्स केमिस्ट्री में हम वर्क को डिफाइन करते हैं फोर्स की जगह पे हम इसे प्लेस करेंगे। अगर फॉर्मूला हम देखें वर्क दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इन केमिस्ट्री वर्क इज डिफाइंड एज प्रेशर इंटू डिस्टेंस और वॉल्यूम। और इस रिएक्शन में चूंकि वॉल्यूम चेंज है हमारे पास तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा वी। फोर्स रिप्लेस होगी प्रेशर के साथ और डिस्टेंस जो है हमारे पास डेल्टा वी। अभी बस वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए दो फैक्टर यहां पे डिस्कस किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। और दूसरा भी वर्ड होता है हमारे पास वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और ये भी वर्ड हमारे पास होता है ये पॉजिटिव साइन। इस डायग्राम में हम व्यूअर्स कह सकते हैं कि ये प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस सिस्टम के ऊपर दैट इज फोर्स, एंड चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डिस्टेंस। तो हम वर्क को डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम दैट इज वर्क। और इस वर्क डन को हमने साइन के साथ एक्सप्लेन किया किस तरह वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये दो वेज थे ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी टू डिटरमिन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वैल्यू। तो व्यूअर्स वर्क को भी जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो इसका यूनिट ऑफ वर्क इज जाऊ। व्यूअर्स एक और पॉइंट बताता चलो यहां पे कि ये दोनों ही वेज ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी जो है हीट एंड वर्क दीज आर नॉट स्टेट फंक्शन। व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जिसमें हमने इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम के बारे में स्टडी किया समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकती हैं। आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।